अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा। कैसी तबीयत है अब हरीम की? ठीक हूँ। आप लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं? जी। लेकिन अभी हमें इसे दो दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते। आपको किसने कहा है जाने के लिए? वसीम ने, इसके अब्बा ने। मैम बात समझने की कोशिश करें, इनको बहुत बुरी इन्फेक्शन हुई भी है, ये यहाँ से नहीं जा सकती। हरी तुम बताओ, तुम कैसा फील कर रही हो? बस ठीक हूँ। आई डोंट यू अंडरस्टैंड, ये ठीक नहीं कर रही आप। बेटा मेरे बस में कुछ भी नहीं है। वो उसे यहाँ ले आया था यही बहुत बड़ी बात है, वरना जितनी नफरत वो बेटियों से करता है उसको मरने के लिए छोड़ देता है। कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? वसीम ऐसा ही बाप है। उसने जो जो कुछ किया है, मैं बयान भी करूं तो कोई यकीन भी ना करे मेरी बात का। दुनिया में कोई शख्स ऐसा हो ही नहीं सकता जिसे बेटियों से इतनी नफरत। और वैसे भी हमारे लिए बेहतर होगा कि हम चले जाएं, वरना खामखा हमें बेइज्जत करके यहां से लेके जाएगा। चल मरी मुठ। बात सुने, माना कि इस दुनिया में नफरत करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले भी हैं, और ये दुनिया उन्हीं की वजह से चल रही है। आप जानती हैं, मेरे बाबा ने मुझे बिना मां के पाला। बहुत गरीब होने के बावजूद भी पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बनाया। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती जो बातें आप मुझे बता रही हैं। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये आप ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखें, मुझे कॉल कीजिएगा। और हरी, पढ़ना लिखना बहादुर बनना, और जैसा तुमने इस बार किया आइंदा ऐसा कभी मत करना। आफरीन है बेटा तुम्हारी माँ पे, इसने तुम जैसी बेटी को जाना। उससे भी ज्यादा सलाम है उस बाप पे जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया है। ना ख्याल रखना। आप लोग भी। चलो बेटा। चलोगी बेटा? जी जी। चलोगी बेटा? जी जी। हाफिज़। ख्याल रखिएगा इसका।